ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विद वन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9। ठीक, इसका मतलब ये है कि देखिए एक हमारे पास बैग है जिसमें कुछ बॉल्स रखी हैं और हर बॉल पर क्या है 0 to 9 डिजिट्स हमने मार्क कर रखे हैं। ठीक, यानी कि सारी बॉल्स पे हमने 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हमने मार्क कर लिए। ठीक है, If four balls are drawn successively with replacement from the bag, तो अब उसमें क्या किया जा रहा है कि four balls को उसमें से randomly निकाला गया। ठीक, तो हमें इस बात की probability निकालनी है कि उन four balls में से किसी में भी zero mark नहीं है। ठीक, ये हमारा question है कि हमें इस बात की probability निकालनी है कि जो four balls हमने बैग से हमने निकाली है उनमें से किसी में भी जीरो नहीं मार्क हो रखा है। ठीक, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट जीरो, किसी में भी जीरो डिजिट मार्क नहीं है। ठीक, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। द बैग कंटेन्स 10 balls marked with digit 0 to 9। ठीक, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट उसमें मार्क हो रखे। ठीक, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहां पर बॉल्स ही हम बना लेते हैं, तो 10 बॉल्स हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक, ये 10 बॉल्स हैं, इसमें हमने क्या मार्क कर रखा है, इस वाली में हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो 0 to 9 तक के डिजिट इसमें मार्क हो रखे हैं। तो ऐसी बॉल जिसमें 0 मार्क हो रखा हो, केवल एक ही बॉल ऐसी है, तो यानी हमारा जो फेवरेबल केस हो गया वो क्या हो गया, एक हो गया, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/10। ठीक, अब क्यों हम लेंगे, बॉल मार्क्ड विद डिजिट 0 to 9। ठीक, 0 to 9 तक के डिजिट जिसमें मार्क हो उस बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9/10। ठीक, ये हो जाएगा। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r के लिए हमें सॉल्व करना होता है NCR, और ये हो जाएगा p टू दी पावर r इंटू क्यू टू दी पावर n माइनस r। ठीक, हमें किसके लिए निकालना है, फोर बॉल्स को चूज किया गया है और उसमें से किसी भी पर भी जीरो मार्क नहीं हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। ठीक, बॉल्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 4C0। ठीक, और इसमें r की वैल्यू 0, हमें ऐसी बॉल चूज करनी जिसपे 0 मार्क नहीं है। ठीक, तो 0 मार्क की प्रोबेबिलिटी पर हम पावर कितनी लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, और जो रेस्ट हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, 9/10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9/10 टू द पावर 4 हो जाएगी। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा।